of you this evening. आज की इस पवित्र संध्या में आपके साथ में होने का ये बड़ा परम सौभाग्य है और सम्मान है. A meditation that should always be within our hearts is the purpose of Bhaktivedanta Hospital. हमारे चिंतन का एक विषय जो हमेशा हमारे चिंतन होना चाहिए कि ये भक्तिवेदांत अस्पताल किस उद्देश्य से बनाया गया है. The name of the hospital is the purpose of the hospital. इस अस्पताल का नाम इस अस्पताल का उद्देश्य है. To exemplify and pursue Srila Prabhupada's great mission of compassion. श्री प्रभुपाद जी का जो करुणा का मिशन है वही इस अस्पताल का मूल उद्देश्य है और उस उद्देश्य को अपने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना ये इस अस्पताल का प्रमुख उद्देश्य है. Srila Prabhupada left Vrindavan out of pure, genuine compassion for all beings. विश्व के सभी लोगों के प्रति करुणा के भाव के कारण श्री प्रभुपाद जी ने वृंदावन धाम को छोड़कर विदेश गए. When he was sailing on the Jaladuta, he wrote a prayer where he was begging Krishna to speak through him in a way that would transform the hearts of the people. जब वो जलदूत से समुद्र से यात्रा कर रहे थे तब वो एक प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान मुझे आप ऐसी प्रेरणा दीजिए ऐसी शक्ति दीजिए मेरे जिह्वा से ऐसे वचन निकले जो दूसरों के हृदय को परिवर्तित कर सके. Srila Prabhupada taught us that the symptom of a person who's developing love for God or Krishna or who has developed that will be compassion to all beings. श्री प्रभुपाद जी ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने आपके प्रति भगवान के प्रति भक्ति निर्माण की है उसका लक्षण है कि उसे दूसरों के प्रति करुणा का अनुभव होता है. पर दुख दुखी पर दुख दुखी होते हैं. I heard a recording of Srila Prabhupada giving a lecture at a marriage of two of his disciples. मैंने श्रील प्रभुपाद जी का ऐसा एक प्रवचन सुना जो उन्होंने दो भक्तों के विवाह के प्रसंग में दिया था. At the beginning of his speech, he cited a Sanskrit verse that means let all beings be happy. अपने प्रवचन के शुरुआत में उन्होंने एक संस्कृत वचन कहा जिसका अर्थ यह होता है कि सभी लोग प्रसन्न रहे आनंदी रहे. And then he said the purpose of marriage is to be happy. और उन्होंने कहा कि विवाह का परम उद्देश्य है कि हम सब सुखी रहें. Now as a brahmachari, I never heard such a thing before. एक ब्रह्मचारी के रूप में मैंने ऐसे वचन कभी सुने नहीं थे. It actually transformed my whole conception. और मेरा भी जो विचारधारा थी वो भी परिवर्तित हो गई. The purpose of life is to find true happiness. क्योंकि जीवन का उद्देश्य है कि सही आनंद हमें प्राप्त करें. In the Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada tells us the story of Mahadev, Lord Shiva. श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं जो महादेव की कहानी शंकर भगवान की कहानी बताते हैं. When poison was spreading throughout the universe uncontrollably, he personally drank all of it. With the encouragement of Parvati, his wife. जब भयंकर रूप से हलाहल विष सब जगह फैल रहा था तो अपनी पार्वती की प्रेरणा से भगवान शिव ने सभी हलाहल विष को पी लिया. And therein, the Srimad Bhagavatam tells that the greatest service that one can render to the personality of Godhead is to accept inconvenience in a spirit of compassion for others. तो उसी तात्पर्य के रूप में हमें समझाया गया है कि सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों को
करुणा जताने के लिए, सेवा करने के लिए, आनंद देने के लिए स्वयं को स्वेच्छा से कष्ट को अपनाना, ये जीवन का सार है। In the ninth canto, there's a story of Ranti Dev. नवे स्कंद में श्रीमद् भागवत के रांती देव की कहानी आती है। He fasted 48 days. 48 दिन तक उन्होंने उपवास किया था। He was in a forest with no one except his family. अपने परिवार के अलावा उनके साथ कोई नहीं था, जहां जंगल में वो तपस्या कर रहे थे। When he was on the verge of death, they brought him a plate of prasad, big enough for everyone. जब वो तपस्या करने के पश्चात मरणासन्न अवस्था में थे, उस समय परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में उनके लिए प्रसाद प्रस्तुत किया गया। A Brahmin came who was hungry. उस समय एक भूखा ब्राह्मण वहां पर आया। A laborer came who was hungry. एक काम करने वाला जो कर्मचारी का कामगार होता है वो भी वहां पर आया। A person with a large pack of hungry dogs came. और एक व्यक्ति ऐसा आया जिसके पास बहुत सारे कुत्ते जो सब भूखे थे, वो भी वहां पर आया। And a person totally rejected by the society. और एक व्यक्ति ऐसा था जो समाज के द्वारा तिरस्कृत था, जिसको समाज ने निकाल दिया गया। Ranti Dev fed all of them, as well as his family. There was nothing left except a glass of water. और रांति देव ने इन सभी लोगों को भोजन खिलाया, अपने परिवार को खिलाया, और उनके स्वयं के लिए केवल एक पानी का ग्लास बचा हुआ था। The only thing that could keep him alive was that glass of water. उनके जीवन को चलाने के लिए अभी उस पानी की बड़ी आवश्यकता थी। And then a very rejected person by society said, "I'm thirsty." और वो समाज से दुत्कारा हुआ व्यक्ति, तिरस्कृत व्यक्ति, उसने कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी है। Ranti Dev then offered a prayer from his heart. तब रांति देव ने हृदय से एक प्रार्थना व्यक्त की। I do not pray to the Supreme Personality of Godhead. मैं परम भगवान से ये प्रार्थना नहीं करता। For all the 8 mystic yogic siddhis. कि मुझे योगिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। Or for the wealth of this world. या मुझे इस विश्व का धन प्राप्त हो जाए। Or even for moksha. या मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। Liberation. I only desire that in every birth I take, let me be willing to suffer and give up my life to help those who are suffering. मेरी एकमात्र ये तमन्ना है, इच्छा है भगवान, कि जन्म 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 जो मैं आपकी इच्छा से लूंगा, उस हर जन्म में मैं स्वयं को कष्ट देकर दूसरों को आनंद या सेवा करने का मौका मुझे मिलता रहे। By giving my life in the form of this water, to this person. इस जल के रूप में मैं साक्षात मेरा जीवन अर्पण कर रहा हूं उस व्यक्ति के लिए। I will forever be liberated from hunger, thirst, moroseness, lamentation, anxiety and illusion. और मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मैं सभी चिंताओं से, कष्टों से, पीड़ाओं से और यातनाओं से मुक्त हो जाऊंगा। He gave the water. और इस विचार से, इस भावना से उस जल को, उस व्यक्ति को उन्होंने दे दिया। Body was trembling. और उनकी स्वयं का जो शरीर था वो कांप रहा था भूख के मारे। Just when he was about to die, all those persons came back and revealed themselves as devas, Brahma, Shiva, Indra. और उस तपस्या के वजह से जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, उस समय वो सारे व्यक्ति जो रूप धारण करके आए थे, ब्रह्मा, शिव जी और देवताएं, सब प्रकट हो गए उनके सामने। And they said, we did this just to show the world what are the qualities of a true devotee. उन्होंने सब देवताओं ने कहा कि हमने ये सब कुछ लीला की ताकि विश्व को पता चले कि भगवान का सही भक्त कौन है। A devotee is concerned for people's suffering. भक्त वो होता है जो दूसरों के कष्टों के प्रति स्वयं अस्वस्थ हो जाता है, कष्ट को प्राप्त करता है। Srila Prabhupada was concerned by giving us the message of the Bhagavatam, by giving us the holy name, but he also had great concern for our health. Srila Prabhupada ji ne hamein Bhagavat ke vachan diye, Bhagavan ka naam bhi diya, lekin saath saath mein hamare aarogya ke prati bhi wo bahut chintit raha karte the.
he would sometimes nurse his disciples, like His Holiness Giriraj Maharaj, when they were physically sick. जब जैसे हमारे गिरिराज महाराज जी बीमार हुआ करते थे, तभी श्रील प्रभुपाद स्वयं उनको सेवा करते थे, उनकी शुश्रूषा करते थे. And signed each of his letters, "I hope this letter meets you in good health." और हमेशा जब खत लिखते थे, पत्र लिखते थे, उसके अंत में लिखते थे कि मेरी उम्मीद है कि ये पत्र आपको अच्छे सेहत में, अच्छे आरोग्य में प्राप्त होगा. But it is a holistic aspect of health, body, mind, and soul. शरीर, मन और आत्मा, ये जो इनकी सेवा करने का जो प्रकल्प है, ये सर्वांगीण वैद्यकीय सेवा है. Vasudev had severe leprosy. वासुदेव नाम के भक्त को बहुत ही तीव्र कुष्ठ रोग था. श्री चैतन्य महाप्रभु with his long golden arms embraced him. श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने दीर्घ बाहों से, हाथों से उनको गले लगाया, आलिंगन दिया. He cured his leprosy. और उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया. But also transformed his heart so that with his health he would use it for Krishna's service. उसी के साथ में जब उनकी बीमारी ठीक हुई, उनका हृदय भी परिवर्तित हो गया ताकि वो कृष्ण भगवान के भक्त बने. Amogha was an envious offender. अमोघ नाम का भक्त था, वो बहुत ही भगवान का द्वेष, असूया किया करता था. He blasphemed Lord Chaitanya. उन्होंने स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु की निंदा की. He was dying of cholera. वो कॉलरा के ज्वर से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे. श्री चैतन्य महाप्रभु placed his hand on Amogha's heart. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अमोघ के छाती पर, हृदय के जगह पर हाथ रखा. And said, "You are a Brahmin. The heart of a Brahmin should be clean." आप ब्राह्मण हो, उन्होंने कहा, और ब्राह्मण का हृदय स्वच्छ होना चाहिए. And he cured him of his cholera. और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उसे कॉलरा से मुक्त कर दिया. But also transformed his heart. साथ साथ उनके हृदय को भी परिवर्तित किया. Bhaktivedanta Hospital, our mission is to serve as instruments of Srila Prabhupada's compassion. Bhaktivedanta Hospital ka ekmay uddesh hai ki Srila Prabhupada ji ki jo karuna thi, us karuna ke pratinidhi ke roop mein sab logon ki seva karti rahe. Sometimes Srila Prabhupada would say, if our association will make a Muslim a true lover of God or a Christian a true lover of God, that is also our purpose. श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हम अपने उदाहरण से और सेवा से अगर किसी मुस्लिम को अल्लाह का भक्त बना सकते हैं, किसी क्रिश्चियन को अगर भगवान का भक्त बना सकते हैं, यही भी हमारे सेवा का प्रमुख उद्देश्य है. Because only through that love can people actually be happy. क्योंकि केवल ऐसे प्रेम की वजह से ही लोग सही आनंद प्राप्त कर सकते हैं. In this world there are people in perfect health who are committing suicide because they're so unhappy. इस विश्व में ऐसे कई लोग हैं जो शरीर से बहुत स्वस्थ हैं लेकिन आत्महत्या करना चाहते हैं क्योंकि कितने दुखी हैं. People destroying their health with drugs and also eating the wrong kinds of foods because they're in so much distress. अच्छे-अच्छे अपनी सेहत जो है वो कई प्रकार के ड्रग्स लेकर और गलत प्रकार का आहार करके अपने आरोग्य को नष्ट कर रहे हैं. Bhaktivedanta Hospital's purpose is with the most professional and highest standards of medicine to heal people. Bhaktivedanta अस्पताल का उद्देश्य है कि सर्वश्रेष्ठ तकनीक के द्वारा, सर्वोच्च पद्धति द्वारा, व्यावसायिक औजारों के द्वारा लोगों को आरोग्य प्रदान किया जाए. But in an association, an atmosphere that will transform people's hearts to actually be lovers of Krishna and be happy. और ऐसे वातावरण में ये सेवा की जाए जिसमें भक्तों का संग हो, प्रेम हो, सेवा भाव हो, और ऐसे वातावरण में उनका मन, बुद्धि, आत्मा पवित्र हो जाए. I am so grateful to all of you. मैं आप सभी के प्रति बहुत कृतज्ञ भाव का अनुभव करता हूँ. Over the years, this hospital has endured unimaginable challenges. बहुत सालों में, पिछले सालों में इस अस्पताल ने बहुत ही
कल्पना के परे ऐसे संकटों का सामना किया है. Such incredible challenges that sometimes they appeared insurmountable, that it was impossible to continue. ऐसे ऐसे संकटों का सामना हुआ है कि कभी ऐसा लगता भी नहीं था कि ये संकट हम झेल पाएंगे, इसको पार कर पाएंगे. But because all of you remained united for this purpose with faith in Prabhupada's grace, you passed through all obstacles. लेकिन क्योंकि आप सब लोग एकत्र रहे सहयोग के साथ में, इस विश्वास के साथ कि प्रभुपाद जी की कृपा हम पर है, उनके आशीर्वाद है, उसको श्रद्धा रखते हुए आप लोग एकत्र रहे, इसलिए आप लोगों ने सभी संकटों को पार करके यश प्राप्त किया है. His Holiness Giriraj Maharaj compared hospital to Govardhan Hill. परम पूज्य गिरिराज महाराज ने अस्पताल को गोवर्धन की साथ तुलना की. When the king of heaven Indra sent massive storms, storms of total devastation, millions of thunderbolts and crashed upon Govardhan Hill. इंद्र भगवान ने ऐसे प्रलयंकारी भयंकर मुसलधार वर्षा की जो गोवर्धन के ऊपर वर्षा करके नष्ट करने का प्रयास किया. It served like an abhishek. लेकिन गोवर्धन को एक सुंदर अभिषेक का अनुभव हुआ. That made Govardhan glow and shine brighter and brighter and brighter. ऐसे वर्षाओं से गोवर्धन की आभा बड़ी तेज बढ़ा, प्रकाश बढ़ा. When devotees remain united for a higher purpose, the challenges and obstacles that come from within and without only attract more of Krishna's grace. जब भक्त भगवान की सेवा में ऐसे संकटों का सामना करता है विश्वास के साथ में, तो उसके भाव के कारण भगवान की कृपा आकर्षित हो जाती है. When the storms were coming, by Prabhupada's grace, Krishna with his little finger held up everything. जब तूफान जैसे संकट आ रहे थे, तो प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान ने इन सारे संकटों को गिरिराज गोवर्धन की तरह उठा के रखा अपने उंगली पर. And now, not only is it expanding in such a beautiful way, but it has received incredible blessings of affection from so many. न केवल ये अस्पताल अभी बहुत सुंदर विकास और प्रगति कर रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत लोगों का आशीर्वाद और कृपा इस अस्पताल ने प्राप्त किया है. I've seen at the Barsana eye camp. मैंने बरसाना नेत्र शिविर में देखा है. ब्रजवासी लेडीज, बहुत वृद्ध अवस्था की जो ब्रजवासी माताएं हैं, after coming through their surgeries, अपने आंखों को ऑपरेशन करने के बाद में जब वो लौट के आते हैं, and able to see their Thakur ji again, अपने भगवान को वापस दर्शन कर पाते हैं. Slapping devotees, doctors and nurses on the top of their head, slapping very hard. सभी भक्तों और डॉक्टरों के शीश पर, सर पर जोर जोर से आशीर्वाद के रूप में वो हाथ लगाते रहते हैं. And say, may Radha Rani bless you with prema. May Radha Rani bless you with prema. हम ये शुभकामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि राधा रानी आपको प्रेम दे, प्रेम भक्ति प्रदान करे. What other hospital gets blessings like that? कौन सा ऐसा अस्पताल है दूसरा जिसमें ऐसे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं? And so many of the intimate personal associates of Srila Prabhupada have given us those blessings. और श्रील प्रभुपाद जी के जो बहुत ही निकट के, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स जो भक्त थे प्रभुपाद जी के, उन्होंने भी ऐसे कई आशीर्वाद यहाँ पर दे दिए हुए हैं. Her Grace Yamuna Devi. यमुना माता जी जो यहाँ पर थी. She was here about 4 months. 4 महीने तक उन्होंने यहाँ पर निवास किया एक पेशेंट के रूप में. And she's a very, very deep traditional Vaishnavi who knows Srila Prabhupada profoundly. और वो बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही गहरे रूप में भक्त थी भगवान की, और प्रभुपाद जी का अंतरंग भाव वो जानती थी. Whenever she would talk about Bhaktivedanta Hospital, tears would form in her eyes. जब भी वो भक्तिवेदांत अस्पताल के विषय में चर्चा करती थी किससे, तो आंखों से अश्रुओं की नदियां बहती थी उनके. She would say, how much are all of you pleasing Srila Prabhupada? वो कहती थी कि आप सब लोग मिलकर
श्रील प्रभुपाद जी को कितना प्रसन्न कर रहे हैं, कितना खुश कर रहे हैं. She was so deeply grateful. बहुत ही गहराई से वो कृतज्ञ भाव को अनुभव कर रही थी. And she was so proud. और आप सबके प्रति वो कितना गर्व करती थी, अभिमान करती थी. His Holiness Bhakti Tirtha Swami. परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी. He was here for some time. कुछ समय के लिए वे भी यहाँ पर थे. He exclaimed that he felt this was one of the most important projects in all of ISKCON for transforming the world. वो कहते थे कि ISKCON संस्था का ये बहुत ही अनेक प्रकल्पों में से महत्वपूर्ण प्रकल्प है जिससे लोगों का हृदय परिवर्तन हो सकता है. He told me that when he was on his deathbed, just as he said it when he was here. जब वो अपनी खुद स्वयं मृत्युशैया पर थे, जब यहाँ पर भी थे, दोनों समय पर उन्होंने ये वाक्य मुझे बताया था. His Holiness Sridhar Swami Maharaj. परम पूज्य श्रीधर स्वामी महाराज. He allowed us to serve him in so many ways. उन्होंने भी कई प्रकार से अपनी सेवा हम सबको दी. And he was so proud of all of you. और आप सबके प्रति उनको वो कितना गर्व किया करते. So deeply grateful to all of you. इतनी गहराई से अपनी कृतज्ञता व्यक्त किया करते. Not only for what he received personally, but what he saw we were doing for Prabhupada's mission of compassion. न केवल उस बात के लिए जो सेवा उनको प्राप्त हुई उसके लिए केवल नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी की सेवा में आम जनता के लिए, आप पूरे विश्व के लिए क्या सेवाएं हो रही है वो देखकर वो बड़ा गर्व किया करते थे. His Holiness Jaipatak Swami Maharaj. परम पूज्य जयपताक स्वामी महाराज. After his stroke, he spent several months here. अपनी बहुत तीव्र बीमारी के बाद में कई महीने यहाँ पर उन्होंने निवास किया. And everywhere he went after that, he would always speak about the glorious service that's being offered by Bhaktivedanta Hospital. और यहाँ से डिस्चार्ज होने के पश्चात जहाँ जहाँ भी वो गए, हर जगह पर जो बहुत ही श्रेष्ठ सेवा यहाँ पर की जा रही है उसके बारे में वो सभी लोगों को वर्णन किया करते हैं. For the body, mind, and soul. देह मन और आत्मा की सेवा जो यहाँ पर हो रही है उसके बारे में. In fact, some of his followers who were his secretaries would tell me, wherever he goes, he just talks about Bhaktivedanta Hospital. जो महाराज के सेवक हैं वो हमें कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं जयपताक महाराज जी, वो इस भक्तिवेदांत अस्पताल के बारे में ही वर्णन करते रहते. He had, during his stay here, he observed so many transformations of body, minds, and hearts. जब वो यहाँ पर थे तो प्रत्यक्ष उन्होंने देखा है कि कितने लोगों के मन बुद्धि देह के परिवर्तन होते हुए उन्होंने दर्शन किया उसका. I would listen to his lectures. और मैं स्वयं उनके प्रवचन सुना करता था. Even recordings. और रिकॉर्डिंग भी सुना करता था. I learned more about the hospital from him than I ever knew myself. भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के बारे में अधिक जानकारी मैंने उनके प्रवचनों से प्राप्त की जो मुझे पहले पता नहीं थी. Such blessings from Srila Prabhupada and his loving associates. ऐसे प्रकार की कृपा दया श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है. And such tremendous blessings coming from so many of the thousands and thousands of patients that are coming and being healed and transformed. दिव्य प्रकार की कृपा जो हजारों हजार लोग यहाँ पर आते हैं और अपने आप को स्वस्थ पाते हैं और यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं. His Holiness Giriraj Maharaj, his being here tonight is also Srila Prabhupada's very intimate blessing upon all of us. Param Pujya Giriraj Maharaj ji ki yahan ki jo upasthiti hai wo bhi Srila Prabhupada ji ki hamare par badi aseem kripa hai. In the 1970s, very early, Srila Prabhupada empowered him to be here in Mumbai. 1970 साल में श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ी ही कृपा से परम पूज्य गिरिराज महाराज को बंबई की सेवा प्रदान की. श्रील प्रभुपाद had such faith in his sincerity, his integrity, and his devotion and love. उनके व्यवहार, भक्ति, उसूल और आदर्श और प्रामाणिकता के ऊपर प्रभुपाद जी को बहुत श्रद्धा थी. And several of the founding devotees who developed this were very, very much inspired and taught bhakti through Giriraj Swami Maharaj.
और इस्कॉन संस्था को स्थापन करने में जिन्होंने भी योगदान दिया है उन ऐसे महान भक्तों को परम पूज्य गिरिराज महाराज की तरफ से प्रेरणा प्राप्त हुई है उनके उदाहरण के कारण. And from the very beginning, he was always through his blessings, through his concern, through his love, very much involved in everything we've done here. और शुरू से ही परम पूज्य गिरिराज महाराज ने अपने वचनों द्वारा अपने प्रेरणाओं द्वारा हमारे हर कार्यों में सहयोग और मार्गदर्शन दिया है. A great blessing. ये भी बहुत बड़ी कृपा है हमारे लिए आशीर्वाद है. Let us be grateful for all these blessings. आइए हम सब खुद भी कृतज्ञ रहें इन सभी आशीर्वादों के प्रति. And a grateful heart is a heart that is eager to serve. और जो हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है under all, वो हमेशा under all conditions to serve. हमेशा हर स्थिति में ऐसा हृदय जो कृतज्ञता से भरा हुआ है सेवा करने के लिए तत्पर रहता है. Bhaktivedanta Hospital, its foundation is seva, devotional service. यही भक्तिवेदांत अस्पताल का नींव है, फाउंडेशन है सेवा करना. But we can't really sustainably, qualitatively serve humanity unless we learn how to love and serve each other. इस अस्पताल को बनाए रखने के लिए यशस्वी रूप से अगर सेवा करनी है तो हमको पता होना चाहिए कि कृपा और सेवा भाव के बिना ये कार्य सिद्ध नहीं हो सकता. It is my sincerest prayer to everyone. आप सबके लिए मेरी एक प्रामाणिक प्रार्थना है. We may have different posts for practical purposes. हो सकता है अलग अलग व्यावहारिक रूप के कारण हमारे अलग अलग पद होंगे, हमारा अधिकार अलग अलग होगा, काम अलग अलग होंगे. But whether we're administrators or doctors or nurses or cooks or housekeepers or accountants. डॉक्टर हो, नर्स हो, प्रशासकीय अधिकारी हो, हाउसकीपिंग असिस्टेंट हो या आचार्य हो, भोजन बनाने वाले. There's no higher law. Everyone is doing their seva. इसमें कोई भी उच्च और नीच नहीं होता है. हर एक व्यक्ति अपनी अपनी सेवा दे रहा है. Just like the body has different limbs that have different functions. जैसे शरीर के भी कई अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं. But all serving the whole. लेकिन सब मिलकर जो पूर्ण शरीर है उसकी सेवा करते रहते हैं. So let us remain with great respect and honor to each other, despite our differences. इसलिए आइए हम सब मिलकर एकत्र रहें, चाहे हमारे विचारधाराओं में अंतर हो, हमारी भावनाएं अलग अलग हो, लेकिन फिर भी एकत्र होकर हम सेवा करते रहें. And together to allow Srila Prabhupada to continue to bless and empower his great mission here. और अगर हम साथ रहेंगे और सेवा करेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त होगी ताकि ये दिव्य जो मिशन है, ये सेवा जो सेवा है, ये प्रकल्प है, ये आगे भविष्य में प्रगति करता रहेगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू हरे कृष्ण.